भारतीय जनता पार्टी सच को मार देगी। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज, ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम में। वक्त शाम के 6 बजे हैं, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का सवाल यह है कि NRC हो या फिर CAA को लेकर के, उसके बाद में जो हिंसा सड़कों पर देखने को मिली, पुलिस प्रशासन का आरोप ये कि ये उपद्रवी रहे, हंगामा करने वाले लोग रहे जिनके खिलाफ में अब केस किया जा रहा है और उन्हीं की संपत्तियों को जब्त करके पब्लिक प्रॉपर्टीज जो भी डैमेज हुई हैं उनकी भरपाई की जाएगी। मगर दूसरी तरफ विपक्षी दल है, दूसरी तरफ ऐसे संगठन हैं, दूसरी तरफ ऐसे छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार हिटलर शाही के अंदाज में वही कर रही है जो सरकार को सूट कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा है। और इसी बीच में कई सारे लोगों की मौतें होती हैं हिंसा के अंदर, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सबसे ज्यादा मौतें हुई। और अब जब विपक्षी दल के लोग वहां पर जाकर के उन परिवार वालों से मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें फिर धारा 144 का हवाला देकर के वापस लौटा दिया जाता है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरठ पहुंच रहे थे ऐसे लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हुई या जो लोग इस हिंसा में मारे गए, मगर उनको वहां नहीं जाने दिया गया। सवाल यह है कि क्या इन तमाम चीजों पर मुआवजे का मरहम या सांत्वना देने के नाम पर विपक्षी दल अपनी सियासी रोटी सेक रहा है, या मौजूदा वक्त में जो सत्ता पक्ष कह रही है वही सच है, वही सही है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले आइए निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर। गोली भी मारेंगे और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर हमारे नेता आना चाह रहे हैं तो उनको आने भी नहीं देंगे। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। राहुल गांधी को ये गुस्सा तब आ गया जब पुलिस ने उनको मेरठ में हुई हिंसा में मरने वालों के घर सियासी मरहम लगाने से रोक दिया। पुलिस ने तो सुरक्षा का हवाला देकर राहुल गांधी को उनके काफिले समेत शहर के बाहर से ही वापस कर दिया और 2 दिन बाद आने की परमिशन देने की बात भी कह दी, लेकिन कांग्रेस नेता इस बहाने भी सियासत के तमाशे करने से बाज नहीं आए। तानाशाहपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का है कि आप गोली भी मारेंगे और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर हमारे नेता आना चाह रहे हैं तो उनको आने भी नहीं देंगे। जबरदस्ती बॉर्डर के ऊपर उनको रोका गया प्रतापपुर में और वहां से उनको वापस किया गया और ये कहा गया कि हम 2 दिन के बाद आपको परमिशन दे देंगे। ये तो हो गई यूपी में सियासत के खेल की पहली तस्वीर। दूसरा किस्सा उन्नाव से है जहां रेप पीड़ित के घर मुआवजे के मरहम के नाम का चेक लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। रेप पीड़ित के परिवार से मिले तो सही, लेकिन इस दौरान सरकार पर सियासी तीर तलवार भी चलाते नजर आ ही गए। यहां भी CAA बहाना था और निशाने पर थी योगी सरकार। पहले तो 2007 में जो उपद्रवियों ने नुकसान किया था गोरखपुर में, सबसे पहले उनसे वसूली हो और आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री पे खुद धाराएं थी। क्या कभी कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री बना हो जिसने अपनी ऊपर मुकदमे वापस लिए हों? आप पता करिए कि किस बात के मुकदमे थे उनके ऊपर। केवल निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जिनकी जान गई उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? क्या कानून अलग होगा उनके लिए? और जितने भारतीय लोग हैं वो इस कानून के खिलाफ हैं क्योंकि सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ये जानबूझ के कर रही है। नागरिकता संशोधन एक्ट, वो कानून जिसके खिलाफ भड़की आग ने देश भर में कई घर कई परिवारों को जला दिया। 20 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में सो गए। अब उस मौत में सियासत की रोटियां सेकने के लिए भी नेताओं की भीड़ लग रही है। एक हफ्ते के हंगामे के बाद अब जब हालात कुछ ठीक हुए तो सियासतदान सियासत के खेल खेलने से भी नहीं चूक रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। तो सभी पक्षों और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क है। कोई ये कह रहा है कि साहब जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो कोई ये कह रहा है कि साहब 2007 के उस हिंसा का भी हवाला देते हुए कहा गया कि खुद अपने ऊपर से ही मुख्यमंत्री ने केस वापस ले लिया। उन दंगा के बीच में या उस हिंसा के बीच में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे। मगर आज R9 टीवी क्या सवाल उठा रहा है, आइए उन पर एक निगाह डालते हैं, जिनके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज R9 टीवी ये पूछ रहा है कि नागरिकता कानून के बहाने सियासत कौन कर रहा है, अगर ये सियासत है तो फिर कर कौन रहा है, क्या नेता ही जनता को भड़काने की कोशिश और काम कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों की मौत पर सियासत कब तक होगी, इस समस्या का समाधान क्या है, क्या सियासत के नाम पर नेता कुछ भी करेंगे, यह भी एक सवाल ऐसे में उठता है। जब हालात ठीक नहीं तो मेरठ क्यों जाना चाहते हैं राहुल। हम अपने खास मेहमानों की तरफ इस वक्त रुख करते हैं जो कि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संदीप दुबे जी हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में दूसरे खास मेहमान है कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है सर। नीरज राय जी प्रदेश अध्यक्ष TMC उत्तर प्रदेश के, जो कि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, आपका भी स्वागत। कुमार श्रीकांत जी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप अक्सर देखते हैं टीवी स्टूडियोज में। अमलेंदु सिंह जी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो इन तमाम चीजों पर बड़ी बारीक निगाह रख रहे हैं, जब से ये सारी चीजें होंगी बताएंगे। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि आखिर इन तमाम चीजों के बीच में बातें यही उठ रही कि साहब सियासत हो रही है, मगर सियासत कौन कर रहा है और सियासत का स्तर कैसा है। साथ ही साथ में शहाबुद्दीन सैफी साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में हरीश भारद्वाज जी आज आपसे ही करना चाह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के ऊपर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर दंगा भड़काने का, हिंसा भड़काने का आरोप लगा। मगर जिस वक्त NRC को लेकर के, CAA को लेकर के बहस शुरू हुई, या फिर यूं कहें सड़कों पर लोग उतरना शुरू हुए, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, हंगामा होता रहता है, अब आते हैं और अब उनको मेरठ की याद आती है, मेरठ जाते हैं मुलाकात करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, जिन्हें वापस भेज दिया जाता है, तो फिर ये कह रहे हैं कि साहब सियासत हो रही है। हरीश जी देखिए ऐसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी वो पूर्व नियोजित थी, उनका पूर्व कार्यक्रम था, उसके बाद वो हिंदुस्तान आए हैं। तो अब मैं प्रश्न दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, आपने जैसा प्रश्न उठाया तमाशा सियासत का, आज देश सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान का जितना आर्थिक नुकसान किया है उतना शायद कोई विदेशी, हमारा विरोधी, हमारा कट्टर दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं कर सकता था हमारे देश का। जो सड़कों पर सामाजिक हिंसा हुई उसमें भी, जो सामाजिक ताना बाना मोदी का ही हाथ रहा जी, सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जो एक कौमी मोहब्बत थी, जो प्रेम और भाईचारे की जो संस्कृति इस देश की चली आ रही थी, उस संस्कृति को कुठाराघात करके और इस प्रकार के मुद्दों से पिछले 6 वर्ष से निरंतर एक समुदाय को प्रवोक करना और साथ ही साथ टारगेट करना, ये देश के कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके इस देश का नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं आपको एक मिनट और सर, ठीक है, एक सेकंड और, अब ऐसी परिस्थिति में जबकि निरंकुश तानाशाह सरकार हो जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए और अपने नागरिकों के ऊपर जुर्म और ज्यादती करना शुरू कर दे, अगर कोई भी एक राजनीतिक दल ये परिस्थितियों को देखने भांपने और उन अपने जो मजलूम, जो निर्दोष जो नागरिक जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उनका अगर उनसे मिलने भी नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल निरंकुशता है कि तानाशाही गोलियां चलाई गई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, ये तो आपके नागरिकों के अधिकार है, गोलियां तो पुलिस वालों पर भी चली रहा है, गोलियां तो पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी चली है, जख्मी तो वो भी हुए हैं। ऐसे में संभालने की जो जिम्मेदारी है वो माननीय योगी जी की है, और अगर पुलिस उन पर गोली चला रही है या पुलिस गोली प्रशासन पर चलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं पे उत्तर प्रदेश में माननीय संदीप दुबे जी जवाब दीजिएगा, प्रदर्शित करता है। संदीप दुबे जी देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा एक समुदाय को प्रवोक, प्रवोक एक ऐसा शब्द है कि प्रवोक साथ रह के किया जाता है,
जिसके साथ व्यक्ति रहता है उसको प्रोवोक करता है, जैसे आप हमारे साथ हैं, हम आपको उकसाएंगे। तो प्रोवोक कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, हमें कांग्रेस के मित्र बताएं कि कौन सा समुदाय है इनको लगता है कि मोदी जी उनको प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उस प्रोवोक की पूरी अगर गलत हो रही तो योगी सरकार की। अरे साहब, चित भी मेरी पट भी मेरी, चलनी जो है सूप को आईना दिखा रहे कि देख तेरे में इतने छेद हैं। आप अगर सोच लीजिए प्रवो की समाज को कौन कर, अगर राहुल गांधी उस परिवार के घर पहुंच जाते, उस लोगों से मुलाकात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति जा सकता है, संतना देके जा सकता है, 10 गाड़ी 20 गाड़ी के काफिले से आप नहीं जा सकते। टेलीविजन की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, आप प्रवोक आप खुद करो, दंगा आप भड़काओ, गमछा पहन के अपने लोगों को खुद भेजो, मोहब्बत आप करो, इस देश में कोई अच्छा काम करे उसकी बुराई आप करो, बुराई 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 का ताना बाना आप बुनो, और एलिगेशन हम पे लगा दो, गांधीवादी लोग हैं, राजघाट बहुत अच्छी बात करके भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र आपका यही लोकतंत्र है। गांधी की फोटो हाथ में लीजिए और पत्थर फेंकिए, वाह गांधीवाद, पहली बार कांग्रेस का गांधीवाद इस देश में दिख रहा है कि पत्थर फेंकिए, लाठी मारिए पुलिस वालों को, डंडे दीजिए। भाजपा की संस्कृति का बखान कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, क्या जरूरत है डंडा मारने की पुलिस को, क्या जरूरत है गाड़ी फूंकने की, सीए के विरोध करने की क्या जरूरत है? किसी कांग्रेसी ने डंडा नहीं चलाया, उसके सपोर्ट की बात चला रही है डंडा रात होने चाहिए। दूसरी तरफ आप सब निर्दोष नागरिकों को पीटा जा रहा है, दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, कल राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, इससे पहले हमारे यहाँ बहन बेटियां, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों आवाज नहीं उठाई, कभी बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती है, कभी पुलिस प्रशासन की गलत व्यवस्था के लिए कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती, कांग्रेस उन बुरे लोगों के साथ क्यों खड़ी रहती है, आवाज उठाने की भ्रष्टाचार करते हैं, आवाज उठाने का हल नहीं है, विपक्ष को लोकतंत्र तोड़ने का काम करते हैं, क्यों नहीं कांग्रेस देश को जोड़ने वालों के साथ कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी होती है? मतलब जो आपको ये जो हजारों और लाखों करोड़ों की जो संख्या में जो लोग रोड पर निकल रहे हैं, ये जोड़ देश को तोड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आप कह रहे हैं चाहते हैं। एक समुदाय को प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रयोग हम कर रहे हैं, उनका साथ हम दे रहे हैं, और फायदा इतना आपको खोट है, ऐसा तो नहीं है। आप 6 साल से निरंतर लगातार देश को अस्त व्यस्त करने के लिए, देश का फायदा कब देखेंगे, देश पहले आता है, प्रयोजन आप इस देश में लागू कर रहे हैं, इसका मतलब जाहिर है कांग्रेस प्रयोग कर रही है और एक आंदोलन खड़ा करना चाहती इस देश में, जो लोग इस देश को अपना देश नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में शाहबुद्दीन सैफी साहब, कौन नहीं मानता, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। अब सवाल ये कि हंगामा पैदा कौन कर रहा है, सवाल ये कि भड़का कौन रहा है शाहबुद्दीन सैफी साहब, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया कि साहब ऐसे दंगाइयों को, ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी और कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब पहले 2007 का मामला निपटाइए जिसमें गोरखपुर का दंगा हुआ, ये कौन सतर्क होता है? जबर भाई देखिए, सीधी सी बात है, हर बात के दो पहलू होते हैं, और राजनीति रोटने सेकना तो बीजेपी से कोई सीखे। जब पद्मावत फिल्म आई थी तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जला दी गई थी, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। तो आपको उससे एक लाइसेंस मिल जाता है, सुनिए, अगर पहले कोई घटना हो चुकी है तो उससे आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि साहब कुछ भी हो जाए हंगामा करो, दंगा करो। जब्बार भाई, 2007 में गोरखपुर में दंगा होता है, 3 मौलानाओं की हत्या हो जाती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति वहां जलकर राख हो जाती है। वहां पर किसी की संपत्ति जब्त नहीं की जाती क्योंकि वहां पर राजनीति दूसरी है। आज लोग, आपकी सरकार, सुनिए ये आपकी जिम्मेदारी थी, वहां पे बसपा की सरकार थी, आपको शायद जानकारी। अच्छा अच्छा, बसपा आपकी मित्र है, बुआ है, वो बुआ है आपकी भी है, हमसे पहले आपने अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह जी ने मिलकर सरकार बनाई थी, आपकी भी बुआ लगती है। जितनी बुराई है वो सब हमारे जिम्मे और जितनी अच्छाई है सब आपके जिम्मे। सबसे बड़ी बात जब्बार भाई जी, जी, आज एक कौम को क्यों डराने का काम किया, उसकी संपत्ति जब्त कर क्या दिखाना चाहते है? क्या आप लोकतंत्र की गला घोटना चाहते है, उसकी हत्या करना चाहते है? कानून का पालन करना लोकतंत्र का गला घोटना होता है? डर है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया आपको विरोध करने का, मगर उसमें अगर कोई तत्व घुस जा रहा है, आप देखिए बहुत सारी वीडियो आ रही है जिसको मीडिया नहीं दिखा रही और अच्छा भी नहीं दिखाई देगी, जो शायद और विकराल रूप ले लिया जाए। पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही है, संपत्ति तोड़ रही है, उनको कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो संपत्तियां पुलिस तोड़ रही है उसकी जांच कौन करेगा, कौन पुलिस वाला था, कैसे पुलिस वाला था? दूसरी बात, बिजनौर की घटना ले जाइए, एसीपी का खुद का बयान है कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई,
कौन सी उस पुलिस वाले को कौन सी चोट लगी है? घर में घुसकर गोली मार रहे हो और आप कह रहे हो आत्मरक्षा, पुलिस वाले को चोट नहीं, आप 10 मीटर की दूरी पर हो उसको गोली मार रहे हो, 1 मीटर की, मतलब आपकी निगाह में कोई घटना कोई हिंसा हुई ही नहीं, सड़कों पर आगजनी हुई ही नहीं, जब पेट्रोल डीजल भरकर घटनाएं हो रही है तो उसमें शराब तत्व घुस रहे हैं, वो लोग घटना को अंजाम दे रहे, जो इसीलिए तो सरकार सख्त हो रही है, इसीलिए सरकार सख्त हो रही है। और मैं आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, सुधार नहीं रहे, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया, आपने वीडियो का जिक्र किया तो आप उसके पैर में गोली मारी है ना, सिर में गोली क्यों मार रहे हो, उसके सीने में गोली, मतलब जनता देसी कट्टे से पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कहीं भी गोली मारे वो ठीक है। अरे आप देखे ना, प्रशासन को कब गोली मारने का देता, जब उधर हो जाए आप बैठ कर उसको गोली चलाए जिससे उसके पैर में गोली लगे, तो खामोश बैठ जाए। कितनी मीटर पर, सुनिए कितनी मीटर चलने दे शहर को, पब्लिक कितनी मीटर की दूरी पर आपसे होना चाहिए तब आप गोली चलाए, आप कोई भी अगर सड़कों पर उतर कर लोग हंगामा करें, अरे आप गाड़ियां को जलाए जाए तो पुलिस को यह देखना होगा कि साहब उसके पैर में चौथी तीसरी पर ही गोली लगनी चाहिए। दोनों तरह से सरकार का फायदा, जनता मरे या पुलिस मरे, उसको अपनी रोटी सेकनी है वो सेक रही है, अभी पुलिस पर मुकदमा होगा तो बेचारा वो तारीख झेलेगा, ठीक है, कोई ठीक है, अधिकारी नहीं जाएगा उसको बचाने के लिए। नीरज राज जी हमारे साथ में, नीरज राज जी है टीएमसी के नेता है और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीरज राय जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से प्रवोक कर रही है, अगर इन शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, और उसके बाद में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें खुद छात्रों ने गेट को तोड़ा, बाहर निकले, पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके उनको हटाने की कोशिश की, बल का प्रयोग किया, कोर्ट में कहा जा रहा कि साहब पुलिस ने बर्बर चेहरा दिखाया, तो क्या आप जैसी पार्टी के लोग ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है? एंकर लोग हैं जो देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, आपको तो ये नजर नहीं आता है कि देश का एक प्रधानमंत्री जो कि अबे तबे केला चपाटी तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कि प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय शब्द माने जाते हैं, आप लोग देश की जनता को गुमराह मत करिए। सबसे बड़े दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी दंगाई है, आज उसका देख लीजिए नमूना कि सुभाष चंद्र बोस जी के पोते ने भी क्या बोल दिया है कि इनके द्वारा लाया गया कानून कैसा है। और रही बात बंगाल को छोड़िए, अभी पहले उत्तर प्रदेश तो देख लीजिए ना, अगर ये बंगाल में कोई बात होती है तो ये लोग जाते हैं, जब वहां की बंगाल की सरकार रोकती है तो इनके जाने से कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है। अरे शर्म आनी चाहिए इनको कि इनके यहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आता है, स्टेट कमेटी को दूर किया रहता है, उसके बावजूद भी ये लोग पीड़ितों के घर तक नहीं जाने देते हैं, यह कैसा लोकतंत्र है? ममता बनर्जी जी बहुत पहले वह बोल चुकी है, ये लोग आपातकाल की स्थिति, अघोषित आपातकाल की स्थिति ला रहे हैं, आप एंकर हैं, आपको जो बोलते हैं वो देश की जनता सुनती है जब्बार भाई, तो आप लोग थोड़ा सा वास्तविकता से अवगत कराइए। अरे सर आप सड़कों पर उत्पात मचवाएं, आप लोगों को भड़काएं, आप लोगों को दंगा कराने के लिए प्रेरित करें, आपके लिए सब कुछ जायज, हम अगर उसकी तस्वीर जनता के सामने पेश करें तो सारा दोष मीडिया कर्मियों का, सारा दोष एंकर्स का, सारी चीजें आप लोग एंकर्स के ऊपर और मीडिया के ऊपर मत दीजिए, ये सर देश की जनता देख रही है सुन रही है। मैं आप लोगों के जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसके हनन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है, दायरे में रखकर कीजिए ना सर, अपने ही भाइयों का नुकसान आप कर रहे हैं, सड़क पर हंगामा हो रहा, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी उसमें क्या कर रहे हैं, मतलब आपको ये कहते हुए कुछ समझ में नहीं आता सर। जब्बार भाई बात सुनिए, योगी जी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, शुरू से ही छात्र जीवन में ही मैं रहा हूँ और योगी जी के हरेक क्रियाकलापों से मैं अवगत रहा हूँ पिछले 19 सालों से। तो योगी जी अपने पे लगे 35 मुकदमों को हटाते हैं, रिकवरी करें, देखिए राष्ट्र की संपत्ति का क्षति नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, फिर मैं दूसरे जी, ठीक है सर। नीरज राज जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। ऐसे में संदीप दुबे जी, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा, आप जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करोगे, जब आपके ऊपर ही दाग लगे हों, तो फिर आप किस तरीके से और किस अंदाज में इस कार्रवाई की बात कर पाओगे, जैसा कि अभी आरोप लगाया? देखिए, पीड़ित में और पक्षकार में दोनों में काफी अंतर होता है। समाजवादी पार्टी के मित्र या टीएमसी के मित्र जो दुहाई दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, मैं साफ साफ कहूंगा, जिस एनआरसी का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, सभी प्रबुद्ध वर्ग को पता है, और जो मोदी जी पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, उस रैली में हम खुद भी थे, मोदी जी ने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं किया जिससे दीदी को कोई दिक्कत हो। अरे उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि दीदी
आप जिस विषय पे विरोध कर रही हो, कम से कम सोचो। आप कभी सदन में बैठ के आप चिल्लाती थी कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर वो मोदी जी काम कर रहे हैं तो उससे आपको दुख है। तो टीएमसी के लोग के जो नेता है, तो यही कह रही कि साहब गृह मंत्री जिस तरीके से बातों को रखते आए हैं, राजनाथ सिंह जिस तरीके से बातों को रखते आए हैं, अब उसको प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, आखिर किसकी बात, देश को किसकी बात को फल माना जाए, क्या बोझ बीज को बो रहे हैं। इस बीज को बोने से अगर इस देश का भला होना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि टीएमसी के नेता जी लोग खूब बोले, खूब बुराई करें, जो करना है करें, इतना समझे कि जो बीज आप बो रहे हो इस देश के हित में नहीं है। ठीक है, ठीक है, शाहबुद्दीन साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। संजीव कौशिक जी, ठीक है, हाथ रख के सोचिए। ठीक है, संजीव कौशिक जी, सबके अपने अपने तर्क है, जो हिंसा कर रहे हैं उनके भी अपने लॉजिक है, अपने तर्क है, ऐसा लगता है कि वही सही कह रहे हैं। जो हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं की लॉजिक सही है। सवाल यह है कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत तो हो रही है। जब बार भाई सत्ता में बैठे शासक की शतरंजी चाल जो है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। पिछले 15 दिनों पहले हाहाकार मचा था, देश की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है, बेरोजगारी चरम पे है। मेरे साथ में प्रताप सारंगी जी, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। प्रताप सारंगी जी, इस वक्त जो कुछ देश में चल रहा है उसके लिए क्या वाकई विपक्ष ही जिम्मेदार है, विपक्षी दल ही जिम्मेदार है? ज्यादातर विपक्षी दल ही जिम्मेदार है, विशेष तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पूरा देश में वो दंगा भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं और देश विरोधी ताकत जो विदेशी अनुप्रवेशकारी उनको, आपके निगाह में सरकार की पॉलिसीज की मुखालफत करना दंगा भड़काना हुआ? आप तो सुनिए, आप तो बोले ना, मैं मेरा उत्तर देता हूँ। ये जो संविधान में ये जो व्यवस्था हुई, ये तो बहुत पहले होने वाला था, क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं की दुष्कर्म कारण देश का विभाजन हुआ और देश का विभाजन अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इन्होंने नहीं किया। इसके कारण हिंदू बौद्ध जैन सिख का पर्चे और क्रिश्चियन इसके माइनॉरिटी ग्रुप हमारे देश से अलग हुए और धार्मिक प्रताड़न का शिकार हुए, और इसलिए है उन नेताओं की जिम्मेदारी लेना पड़ा और इसका इसको हटाने के लिए इसका हिम्मत नहीं था। ये प्रावधान करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये प्रावधान का हिम्मत दिखाया, इनको अभिनंदन करना चाहिए। प्रताप सारंगी जी, ठीक है, आपकी बात सारी एक मिनट के लिए मानी जाए, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार की पॉलिसीज और नीतियों का विरोध करना जनता का अधिकार अब नहीं है, छीन लिया गया? सरकार की नीतियों का विरोध करना और दंगा भड़काना और आग लगाना ये एक ही बात नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये किसी का बाप का संपत्ति नहीं है कि देश का राष्ट्रीय संपत्ति को विनाश करेंगे। नहीं तो जब उनको विरोध करने ही नहीं दिया जाता है, घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है, तो फिर जाहिर तौर पर दो दो हाथ तो होगा इस सड़कों पर। तरीके से धरना देने के लिए उनको कोई बाध्य नहीं, कोई विरोध नहीं करता है, वो धरना दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की स्थिति को कुचल देने के लिए उनका कोई हक नहीं है। तो फिर ये सारे के सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि रामचंद्र गुहा इतिहासकार से लेकर के कई सारे ऐसे लोग सड़कों पर थे, उनको गिरफ्तार करके डिटेन करके सरकार ने ठीक किया? होता है, बस में आग लगाते हैं, गाड़ी में आग लगाते हैं, लोगों को मार डालते हैं, इसलिए प्रदर्शन करने से आगे हिंसा आएगा, इसलिए तो सरकार को तो सतर्कता अवलंबन करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा तो सरकार का जिम्मेदारी है। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सारंगी जी, आरएनआई टीवी के माध्यम से पार्टी की और अपनी लाइन रखने के लिए। संजीव कौशिक जी, सरकार की बस एक लाइन है साहब कि आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दंगाई हैं। मैं उसी लाइन पे आ रहा था कि सरकार के चाल को आप समझिए कि सरकार चाहती क्या है। 15 दिन पहले की स्थिति यह थी कि अर्थव्यवस्था गोते खा रही थी, बेरोजगारी चरम पे, सरकार ने माइंड डाइवर्ट करने के लिए पहले एनआरसी को लाया, एनआरसी जब फेल्योर हुई फिर कैब लाया और कैब को लाकर के सीएए में तब्दील कर दिया गया। जब पूरा देश धू धू करके जलने लगा, ठीक है कन्फ्यूजन थी, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे थे कि सीएए क्या है और एनआरसी क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। जब पूरा देश धू धू करके जलने लगा तो ये कहाँ कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे देश के प्रधान, अचानक प्रकट होते हैं एक रैली में दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उसके बाद में वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये विपक्ष इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहा है और देश में इस तरह से हंगामा मचा रहा है। अरे साहब, देश के गृह मंत्री जब सदन में खड़े होकर बोलते हैं, बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि पूरे मुल्क में हम एनआरसी लागू करेंगे और चुन चुन के बाहर फेंकेंगे, तब कहाँ थे? उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो झूठ बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे जानबूझ के।
पूरे देश के राजनीति को दरअसल में जब तक ध्रुवीकरण नहीं होता है यहाँ पे तब तक राजनीति नहीं होती है और यही करने की कोशिश की जा रही है और देश अभी भी उसी में उलझ रहा है। एक नया कानून लाया गया है, हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें कोई खामी नहीं है, ये होना चाहिए, देश के हर एक नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन पैदा करी जाएगी और इसको लेकर भी राजनीति करी जाएगी। कन्फ्यूजन की असली जिम्मेदार कौन है कुमार श्रीकांत जी? कन्फ्यूजन की जो असली जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं देखिए लोगों में चीज़ें क्लियर भी नहीं है और ना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने चाहा है कि वो क्लियर करें, बल्कि वो जो कन्फ्यूजन है, वो जो धुंधलापना है जो लोगों की आंखों पर चढ़ा हुआ था, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी की है मोटे तौर पर देखा जाए तो। और जो लोग हैं जो इसके नेता बनना चाहते हैं वो नेता भी बन रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ा ये बात नहीं है कि कौन इसमें राजनीति कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है, बात यह है कि आप कैसे इस चीज़ को जायज़ ठहरा सकते हैं कि पुलिस वाले पर गोली चलाई जाए और वो अपनी आत्मरक्षा पे गोली पहले ये डिसाइड करे कि उसके पैर पे मारना है कि उसके हाथ पे मारना है कि उसकी पीठ पे मारना है, और जब आपके सामने हजारों की हिंसक भीड़ हो, पत्थर उठाने वाले को वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो या लखनऊ में हो और या वो कश्मीर में हो, आप कैसे उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? देखिए प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, इतनी मार खाने के बाद लोग आए ना हाथ में फूल लेकर आए प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर आप आसाम का प्रोटेस्ट देखें तो आसाम का प्रोटेस्ट जो है अहिंसक रहा है लगातार चार दिनों को देखे, तो कहीं ना कहीं देखिए अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए भले वो विपक्षी हो या पक्ष हो प्रोटेस्ट को चलने दिया, आग लगने दी गई, लोगों तक बात पहुंचने दी गई और कहीं ना कहीं लोगों को बांटना या धार्मिक तरीके से अलग अलग करके अपना अपना फायदा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इससे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंसा को कैसे आप तर्कसंगत जायज ठहरा सकते हैं, हिंसा तो हिंसा ही है। ठीक है परमिंदर सेठी जी, अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें हमने देखा, चाहे जाट आंदोलन हो या फिर दूसरे ऐसे बहुत सारे, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में अभी बीते ही वर्षों में जिस तरीके से एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, विरोध प्रदर्शन होता रहा, उन तमाम चीज़ों के बीच में पुलिस लाइन कैसे लेती है, पुलिस एक्शन कैसे लेती है, वो तस्वीरें भी हमारे सामने, इसलिए विपक्ष तो प्रहार करने का विपक्ष के पास मौका ही है सरकार पर। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझने की है जो विरोध प्रदर्शन करने वो बेवकूफ़ नहीं है कि किसी नेता के कहने के ऊपर विरोध प्रदर्शन हो जाए, गाड़ियों को आग लगा दी जाए। ये जितना भी कुछ हुआ है वो जो जितने नेता हैं, जैसे संजीव जी ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर लोकसभा में बैठ के कहते हैं कि हम चुन चुन कर लोगों को निकालेंगे, और जो डिबेटें हुई हैं हजारों डिबेटें सैकड़ों चैनल के ऊपर हुई हैं और वहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है NRC लाई जाएगी, ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक यू टर्न लिया है एक हालात देखते हुए, चुनावी हालात देखते हुए कि भी ये अभी हम अभी इसको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन चुनावों के बाद ये फिर खड़ा हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, उनके अंदर एक भय की स्थिति है, भय की स्थिति एक मिनट में नहीं बन गई, भय की स्थिति बहुत सारी घटनाओं को लेकर बनी है। आप अपनी नीयत और नीति को साफ रखिए तो लोगों में भय की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप एक क्लियर कट स्टेटमेंट दीजिए कि यहां पे देखिए जैसे योगी जी ने कहा कि हम संपत्ति आपकी जब्त कर लेंगे, देखिए वन नेशन वन लॉ, आप एक देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर लॉ लाते हैं, आप लाइए कि अगर कोई भी प्रदर्शन करेगा सरकारी संपत्ति को जलाएगा उसकी पर्सनल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और वो देश में कहीं पे भी हो उसके खिलाफ में कानून है, मगर वो कानून कितना पर्याप्त है, क्या उसमें संशोधन की जरूरत है? देखिए आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, यूपी में मुस्लिम जो हैं सबसे ज्यादा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, आप पक्षीय बात कर रहे हैं, सोच के लगता है आप मेरी बात, सरकार को लगता है कि सरकार ही गलत कर रही है, आपको लीडरशिप की राजनीति नहीं है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे देश के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स को रिफॉर्म की जरूरत है, ये देश सबका है, आप न्याय की बात कीजिए। जो चीज है ही नहीं जिसमें जिस चीज का जिक्र ही नहीं है कि आपको बाहर लगाया जाएगा, भगाया जाएगा, घुसपैठी और प्रवासी का मतलब जिनको अंतर ही नहीं क्लियर है, क्या सब लोग क्लियर है अरे कोई निकाल रहा है और आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए, 30,600 लोग हैं केवल, 30,600 लोग ब्रह्म वाक्य,
दिया, आपने ब्रह्म वाक्य बना दिया। ना वो लोग जिम्मेदार हैं जो हिंसा कर रहे हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस हिंसा को तर्क के साथ साबित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये हिंसा जायज है और ये जायज ठीक नहीं है। आप से बोलते डर क्यों रहे हो? आप पर ही डर क्यों रहे हो? आप ही उत्तर कसूरवार हैं। बयान बात की लेता है, एक मैं आपको बताऊं, चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं एनआरसी लाएंगे, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। अरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं सर, मैं अमलेंदु जी की तरफ अभी नहीं जा सकता हूं, एक सेकंड एक सेकंड सर, ये अमलेंदु जी, ये जो एक पूरी स्थिति बनी हुई है भ्रमित करने की, इसका आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि साहब इसमें भ्रमित करने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं है। 31,000 लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तीनों देशों के, लेकिन यहां पर इस देश में वो शरणार्थी जो कि मुस्लिम है उनके बारे में कोई क्लैरिटी रखी ही नहीं गई। तो क्या वो लोग जो लंबे समय से देश में रह रहे हैं वो इस देश की अगर नागरिकता अभी नहीं पा रहे हैं उस वक्त उनको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा? कोई क्लैरिटी तो आनी चाहिए। देखिए, असल में इस पूरी जो गलत फहमी कही जा रही है या जो भी कहा जा रहा है उसको कि साहब भ्रम की स्थिति है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी है, या कहिए सरकार के द्वारा पैदा की गई भ्रम की स्थिति, आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। असल में आपने जब CA लेकर के आए तो आप जिस तरीके से आज घोषणा कर रहे हैं कि हम CA के समर्थन में 1,000 रैली करेंगे, 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे क्या है, तो ये इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको इस पर एक सेंसस करना चाहिए था, लोगों से संपर्क करना चाहिए था, संवाद की स्थिति होनी चाहिए थी। आप जो भी कुछ लेकर के आए थे वो लोगों को समझाते, सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए आप मुझे आप बताइए, मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए? सरकार में इसका मतलब आपस में बात ही नहीं होती है, पुलिस वालों के साथ हमारे ऊपर देखिए सरकार, इसका मतलब सरकार में आपस में बात ही नहीं होती है, को पिटाई कराएंगे। सरकार ये नहीं सोच रही थी कि विपक्ष इतना गिर जाएगा। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, हमारे कौशिक सर हैं, कौशिक सर एक शतरंजी चाल, देखिए शतरंज की बात जितने लोग करते हैं वो खुद एक बहुत बड़े शतरंजी होते हैं, माया जाल में रहते हैं। कौशिक जी ने सरकार को ही शतरंजी चाल में घेर दिया। अरे भाई, देश हमारा और आपका सबका है ना, कांग्रेस का जी, सरकार समझे ना इस बात को, ये तो दिक्कत है। आप सरकार नहीं समझ रही देश उसका है, दिक्कत असल में सरकार देश का मालिक समझ बैठी है, वो क्यों लग गया? नहीं, दिक्कत ये है सरकार स्वयं देश का मालिक समझ बैठी है, जबकि सरकार देश चलाने के लिए देश की मालिक नहीं है। समझाना चाहते हैं, वो कितने लोगों की मौत कर दिया वो डिक्टेटरशिप के तरह टेलीविजन में बैठ के और एक डिक्टेटरशिप की बात फरमा जी, आप ही बताइए, आप अपनी मानसिकता से बाहर आइए। सब लोग दुबे जी, आप ही बताइए, सरकार आपको पूरे अनैतिक अधिकार दे रही है, लोग चलने के लिए फूलों के साथ आते हैं, कोई भी सरकार देश से बड़ी पुलिस वाले ने एक डंडा बरसाया, जिसने गलत किया FIR है, पुलिस वाले गलत थे उनके खिलाफ FIR है, विपक्ष ने कहा कि गलत काम हुआ, विपक्ष की बात देश बड़ा है, ऐसी सरकार में इस चीज को समझिए, इतनी लोकतांत्रिक, आप समझिए इस चीज को, देश बड़ा है, नेशन फर्स्ट, जूता मारो थप्पड़ मारो मेरे पुतले को पीटो, इसको समझिए, गरीब आदमी को तब सुन लीजिए मेरे बाबू, गरीब आदमी को छोड़ दो, बक दो, ऐसे काम किया है कोई, मत मारो जिनको मार रहे हो, ऐसे काम किया ही नहीं कर रहे हो, ये बताओ ये एनआरसी का है, एनआरसी का भूतला है, अभी एनआरसी यहाँ लागू है क्या? असल में दिक्कत ये है, दिक्कत ये है आप लोग जनता को संदीप जी एक बात नहीं कर रहे, और एक जो अच्छा करने वाला काम करने वाला व्यक्ति है नहीं है, ऐसे अच्छा इस देश में काम कर पाएगा जहाँ आप लोग ऐसी सरकार तैयार कर रहे हैं? सरकार जनता की नौकरी के लिए जहाँ सरकार जनता की नौकरी है, अभी सरकार जनता के पैसे काम करने में सफल हो रही है, आप समझो मुसलमान भाइयों, समझो कैसे आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है, कैसे आपके वोट को इनको चाहिए, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, और ये निजाम भारत के प्रधानमंत्री चुप है जो आपके लिए काम कर रहा है, लगा रहे हैं
हरीश बद्दा जी, हाँ देखिए संदीप जी जब्बार भाई, दरअसल क्या है कि इस जो कानून या संशोधन विधेयक जो संदीप भाई भी कह के बोल लीजिए, संदीप भैया मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, दरअसल क्या है कि जो इस जो कानून का जो विरोध है, यही तो ये भाई जान मारे जा रहे हैं कांग्रेस को, भाई जान, सुन लीजिए, सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, आप सुन लीजिए, सीरियस हो जाइए बात पे। दरअसल क्या है कि ये जो कांग्रेस का जो विरोध है वो सीएए को लेकर के और नागरिकता कानून को लेकर के, ये इसलिए है क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। संविधान की जो मूल आत्मा है जिसमें हम धर्म निरपेक्ष, कोई भी स्टेट धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने की नहीं सोच सकता है। संविधान भारत के लोगों पे लागू है या अफगानिस्तान के लोगों पे लागू है, पाकिस्तान के लोगों पे लागू है या बांग्लादेश के, आप बोलते रहिए। क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करने से भारत का मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देगा? कांग्रेस अपनी मानसिकता को क्यों नहीं समझ रहा? सुन लिया आपने, आप एक मिनट सुन लीजिए, कहां गए थे आप जो हिंदुस्तान में? अब देखिए देखिए सत्ता सबको गुस्सा देखिए, जो ये चाहते हैं पाकिस्तान का मुसलमान भारत में आके रहे, बांग्लादेश का मुसलमान जो बहुसंख्यक है भारत में आके रहे, अफगानिस्तान का मुसलमान भारत में, भारत में इज्जत कर रहे हैं, ये कानून किसी भारतीय के लिए नहीं है। आप भ्रम मत फैलाइए, हमारे मुसलमान भाई ये समझने लगे हैं, आपका आंदोलन खुश हो गया, कोई आंदोलन नहीं आपका, पहले आपने बच्चों को आगे किया, छात्रों को आगे किया, अब खुद सपा वाले आगे आ गए, टोपी लगा के कांग्रेस वाले आ गए, तिरंगा लेके गांधी जी को लेके, अब पुलिस वाले को मार रहे हो। मगर 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 एक सवाल तो यहाँ पर है शाहबुद्दीन साहब, कि ऐसे में जहाँ पर अखिलेश यादव भी उन्नाव के रेप पीड़िता के परिवार वालों से जाकर मुलाकात करते हैं, आर्थिक मदद देते हैं, राहुल गांधी आज उधर मेरठ जाते हैं लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है, एक ऐसा माहौल जब इतना असंवेदनशील माहौल हो जहां पर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ और इस बीच में शांति बहाल करने की प्रक्रिया के बीच में ऐसा पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर पर, इस कॉन्सेप्ट के तौर पर इस किस्म के दौरे करना क्या मुनासिब लगता है? नहीं, आप क्यों जरूरी? मैं नहीं कह रहा सांत्वना देना बिल्कुल गलत नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन हालात के नजाकत को देखते हुए, हालात के नजाकत को देखते हुए, पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है कि ये हत्या करने वाले को तिरंगा में लपेटकर सलूट करते हैं महेश शर्मा जी। अरे भाई वो पुलिस वाले के पास क्यों नहीं गए जिसकी आंखें फूट गई है, जिसका टांग टूटा हुआ है, किसी के साथ क्यों नहीं गए? आप लोगों के पास साफ जा रहे हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में के अंदर आवाजों को दबाते हैं, ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं ये लोकतंत्र के एक एक करके किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही, एक एक करके सर मैं आ रहा हूँ, हरीश जी आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, हरीश जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक सेकंड सर, शाहबुद्दीन साहब की बात पूरी कर लीजिए, किसी की आवाज सुनने देना चाहते हैं, हरीश जी एक सेकंड, संदीप जी हरीश जी एक सेकंड, शाहबुद्दीन साहब जल्दी से सर पूरी कीजिए अपनी बात, जिनके घर जा रहे थे उनसे कांग्रेस जो लोग अखलाक के हत्यारों को तिरंगा झंडा में लपेट कर उसको सलूट करने जाते हैं मंत्री जी, उसको भूल गए ये लोग, आज हमको जाने से भी रोका जा रहा, हम क्या कर रहे? अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो पड़ोस में कोई भी जाता, हम तो एक राजनीतिक पार्टी है, हम उसके साथ जा रहे हैं तो आपत्ति का आप रोक रहे हैं हमको, ठीक है? धारा 144 दंगे में जो लोग मारे गए सरकार गिरफ्तार करना होगा कि वो पीड़ित है या आरोपी है, वो सब पे लागू होता है, वो पीड़ित है या आरोपी है, मुझ पे भी लागू होती है, वो पीड़ित सरकार में बैठा उस पे भी लागू होती है, जिन्होंने गोलियां भी चलाई है, जिन्होंने गोलियां चलाई वो पीड़ित है या आरोपी है, जो लोग मारे गए वो पीड़ित है आरोपी है, इतने जांच नहीं होती, आप किसी को ना तो आरोपी कह सकते हैं, नहीं कुछ कर देंगे आप, उसकी जांच का विषय है, ठीक है, किस तरह उसकी हत्या हुई है, किस तरह नहीं हुई, वो जांच का विषय है, आप उसको तो ऐसे ऐसे मेरा सवाल इतना सा बस है, जांच का मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऐसे अत्यंत संवेदनशील माहौल में ऐसे मुद्दे को लेकर के, ऐसे मुद्दे को लेकर के जब यहाँ पर दौरे किए जाते हैं तो उसे पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों ना कहा जाए? परविंदर सेठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हरीश जी जी
प्रश्न आपका मैं सुना जी, ऐसे इतना अति संवेदनशील माहौल है और इस बीच में हर तरफ, क्योंकि आप देखिए कहीं मेट्रो बंद है, कहीं रास्ते बंद है, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, लोग परेशान हैं, मगर हंगामा भी है इस कानून के खिलाफ में और एनआरसी को लेकर के, और इस बीच में तो एनपीआर की भी कवायद की शुरुआत हो रही है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे में थोड़ी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? हंगामे को हवा देने के बजाय, एक नया इशू क्रिएट करने के बजाय, राजनेताओं को थोड़ा सा इसमें माहौल ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बजाय कि उनके घर जाकर के माहौल और भड़काया जाए? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हम सबकी जिम्मेवारी है कि देश के माहौल को सही किया जाए। दूसरी बात, जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, यह बीजेपी की सरकार नहीं है, यह भारत की सरकार है। आपको भूल जाना चाहिए आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। आप भारत की सरकार है, आपका फर्ज बनता है हर नागरिक के लिए आप काम करें। आप लोकसभा के अंदर बिल लेके आइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए, आप बिल लेके आइए कि रोजगार कैसे पैदा किया जाए, आप बिल लेके आइए कि शिक्षा का कैसे विस्तार किया जाए, आप बिल लेके आइए कि स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए। सारी पार्टियां आपके साथ आएंगी। आप देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को डराने का काम करते हैं, पर्टिकुलर समुदाय के साथ आप उसको बार बार डराया जा रहा है। इस बात को कोई शिक्षा नकार नहीं सकता। क्या मैं अभी तक कोई बिल लिया, क्या बिल आया आप बताइए? आपको पता सरकार ये छोड़ दे, गूगल में जाइए, मैं हिंदू मुसलमान कहता हूँ, जो लोग रोजगार चाहते हैं उनके लिए रोजगार योजनाओं की जनता तक जानकारी करा रही है, और यहाँ टेलीविजन में बैठ के आपने राम मंदिर लेके आए, सिर्फ सारे मुसलमान समाज ने उसका स्वागत किया। आपको समझना चाहिए भारत हर समाज ने उसका स्वागत किया। मुझे लगता है अगर आप कोई सही चीज लेके आएंगे, जो लोग सारा समाज उसका स्वागत करेगा, लेकिन अगर आप किसी को डराने का प्रयास करेंगे, किसी को दबाने का प्रयास करेंगे, कोई मौलवी सारा देश कोई सरकार जी को ले आएंगे, सरकार का विरोध करे, अलग अलग डरावना लेके आप आ रहे हैं और देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विविधता में एकता इसकी बहुत बुरी है, इसकी खूबसूरती है। सरकार यहाँ पे जो लोग पैदा हुए वो इसका सिटीजन है, वो देश सबका है, ये किसी समुदाय का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ठीक है सर? मार के और क्या पहना दिया था, लड़कियों वाला साया पहना के बाहर भेज दिया। संजीव जी कोई कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से सर? ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार इस तरह पूरे देश में यूपी आम लोगों ने आंदोलन करा, उसके पीछे कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी तो अब ज्वाइन कर रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस या यूपी की सरकार किस तरह से काम कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि छेड़खानी या बलात्कार का जो भी आरोप है उसको हाफ इनकाउंटर कर दीजिए। यह आज तक समझ में नहीं आया, कुछ किसी प्रवक्ता ने हमें समझाने की कोशिश नहीं की कि यह हाफ इनकाउंटर क्या होता है, कैसे कोई छेड़खानी कैसे कोई अरे सुनिए, आप अभी हम समझा दीजिए, कोई बलात्कार कर रहा हो, कोई छेड़खानी कर रहा हो, हाफ इनकाउंटर कैसे कर देंगे, जरा बताएंगे आप मुझे? तो ये इसी तरह की आपको ये लगता है बंदूक की बात है ही नहीं? अरे बताइए तो सही, आप बताइए जो बातें कर रहे हैं वो बात के पक्ष में आप होते हैं। यहाँ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई जजमेंट ला दीजिए, आप अपने हिसाब से मोदी जी का नाम लेके बात करते हो, आप अपने हिसाब से गृह मंत्री का बात करते हो, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, गृह मंत्री के बात को क्या कर रहे थे, जो मन में आए वो बोलते, प्रधानमंत्री सोचते क्या करते हैं? वो इंतजार कर रहे थे कितने दिनों का इंतजार कर रहे थे, वो बनाने में लगा हुआ साहब, कितने मौत का इंतजार कर रहे थे, कितने लोग मर जाएंगे उसके बाद में प्रधानमंत्री आके इस तरह से कंफ्यूजन दूर करेंगे? पहले वो नहीं थे क्या? पहले दूर नहीं करता था उनको जब्बार जी? दरअसल क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है। इस वक्त जो अगर एक्चुअल जीडीपी माने तो हमारी 2% से ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी बेरोजगारी 45 सालों में सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर है। प्राथमिकता से आपको किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, फोकस इन चीजों पर करना चाहिए, तो ये आप कहना चाहते हैं? जब्बार जी मेरी बात सुनिए, इस सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो एकमात्र व्यक्ति वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मगर हरीश छुपाने के लिए हर तरह की भाई को भाई से लड़ाने के पीछे झुक करके ये नफरत की राजनीति को आगे इस देश के अंदर फितरत पैदा करके लोगों को एंगेज करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी प्रकार की नफरत पैदा हो जाए। ठीक है, जो कमियां है जो हमारे भारत देश की जनता ने किए थे, ठीक है, जो हरीश भारद्वाज जी, हरीश भारद्वाज जी, मगर अगर एनपीआर में आ रहा हूं सर आपके पास में, हरीश भारद्वाज जी अगर इस वक्त सरकार एनपीआर की बात कर रही है उस पर विरोध का क्या मसला है? एक तरीके से आतंक फैलाना चाहते हैं,
हरीश भारद्वाज जी, एक सीधा सा सवाल ये कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर, मगर एनपीआर का विरोध करने का तर्क क्या सर? ये तो कहीं ना कहीं 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरुआत की, 2010 में इसकी शुरुआत थी। धर्म का आधार नहीं था, इन्होंने धर्म के आधार में कहा धर्म का आधार है सर। कौन सा धर्म? ये संविधान के प्रीएम्बल के खिलाफ है। कौन से धर्म की बात कर रहे हो? ये जब कहा जा रहा है भारत के लोगों के लिए है ही नहीं ये कानून, भारत में रहने वाले लोगों से मैं बात कर रहा हूं। ये धर्म कहां से किस डिक्शनरी से आ गया? ये धर्म विरोध इस बात का क्यों गुमराह कर रहे हो? किसको गुमराह कर रहे हो? जो संविधान की मूल भावना है जनता गुमराह करने के लिए नहीं है। पढ़े लिखे आप लोग हो भाई। कुमार श्रीकांत जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं, जो कुछ हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर एनपीआर जो कि एक प्रस्तावित चीज होती है सरकार के एजेंडे में होता है कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की, 2010 में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अगर वो लाया जाता तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब एनआरसी देश में लागू करने से पहले एक भूमिका बनाई जा रही है एनपीआर के जरिए, क्या ये तर्क ठीक है? देखिए बंगाल और केरल ने एनपीआर पहले से रोक दिया है, ठीक है, 20 दिन हो चुका है और उन्होंने उसकी गणना रोक दी है। देखिए बात सेठी सर जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए और बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष दंगाई के यहाँ जाकर, जो दंगा करने वाला है उसके यहाँ जाकर अपने घड़ियालू आंसू बहाता है, सहानुभूति देता है, तो ये राजनीति को पोषक करता है। दूसरी चीज़ ये है, विपक्ष को भी बुरे को बुरा कहना तो ठीक है, पर अच्छे को बुरा कहना ये निचले स्तर की सतही तरह की राजनीति है। मात्र विरोध के लिए विरोध करना गलत है। अगर एनपीआर आ रहा है, क्या अगर एनपीआर आ रहा है उससे गणना हो रही है, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एनपीआर आ रहा है उसकी गणना हो रही है और पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति है, क्या उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी इनकम कितनी है, क्या उसके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो कैसे कंडीशन में रह रहा है, स्वास्थ्य की क्या उसकी मूलभूत जो चीजें वो पूर्ति हो रही है कि नहीं है, सारी चीजों की गिनती हो रही है, उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उसका इस्तेमाल अगर बाकी चीजों के लिए हो रहा है तो ये गलत है, अनुचित है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन सही चीजों के लिए हो रहा है तो उसका स्वागत करना अभी चाहिए। तो इसमें गलत का कोई बिंदु तो दिखा नहीं। अलग सरकार की मंशा पे सवाल किस किस बुनियाद पर उठाया जा सकता है? क्योंकि सरकार की हर चीज पर सवाल उठाना तो शाश्वत विपक्ष का काम है, फैशन है। ठीक है, आप बेरोजगारी का डाटा आने के बाद फैशन चले जाइए, फैशन के साथ विरोध करना है बस सरकार की कोई भी नीति हो नहीं करना है। ठीक है, ये सरकार, ये जब दिल्ली जल रहा था, जब भारत जल रहा था, आप थे कहां? बैंकॉक थे, धरना दे रहे थे, सवाल नहीं उठेगा सर राहुल गांधी पर, हरीश भारद्वाज जी, राहुल गांधी का प्रोग्राम भले ही प्रस्तावित क्यों ना हो, सवाल उठेंगे राहुल गांधी नहीं आप आके ठीक करेंगे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी ही को डॉक्टर बोल दिया गया आप लोग, भारत सरकार कही है, भक्त हैं लेकिन नहीं, आप ठीक है, आप राहुल के चमचे हैं, हरीश भारद्वाज जी भक्त, देखिए हमारे सम्मानित मेहमान सभी हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप लोग पार्टियों के प्रवक्ता है, ऐसे शब्दों से बचे। ठीक है, वकील है, कायदात के वकील है, बात सुनिए, ठीक है, अच्छे को अच्छा कह दिया, आप ये शब्दों का प्रयोग कर लिया, बैंकॉक गए थे, यहाँ गए थे, ये आपके प्रधानमंत्री कहीं विदेश नहीं जाते थे, मैंने इसे व्हाइट कहा, विदेश नहीं जाते, आप कहेंगे आप अंधे हो गए, अरे व्हाइट को व्हाइट ना कहो तो क्या कहो यार, आपके प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते क्या, किस स्तर से सोच रहे हैं, अरे अरे आप किस स्तर से, आपका स्तर हमें पता है, कहां तक सोचेंगे आप लोग, संप्रदायवादी देश को तोड़ने वाले आप लोग, सरकार के पट्टी बन चुके हैं आप लोग, कोई विश्लेषक विश्लेषक नहीं है, अरे कुछ सोचते तो है नहीं, और आप कह रहे हैं कि भाई साहब सफेद को सफेद, कुमार श्रीकांत जी, ठीक है, कुमार श्रीकांत करते हैं गुरु, कुमार श्रीकांत जी, ये जो पूरी एक स्थिति बन रही है जिसमें सरकार के हर काम के पीछे या सरकार के हर काम के पीछे उनकी मंशा तलाशी जा रही है और जनता के बीच में एक अलग तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, क्या इस स्तर पर भी विरोध जायज या ठीक होना चाहिए या है? देखिए गलत है, ये सदा सर्वदा गलत है, विपक्ष का काम है, मैं कह रहा हूं विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं है, सरकार के विरोध में विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं है,
हम लोग क्यों शाश्वत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ना, क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष सड़कों पे नहीं है। आप बताइए, जहां पर जब देश जल रहा था हर जगह बवाल। अरे सर, आपका नाम कुमार श्रीकांत है, आपका नाम कुमार श्रीकांत है, आपका नाम कुमार श्रीकांत है, दिखाई दे रहा है। अरे सर, जो अरे अच्छा सोचिए, जनता विपक्ष है, अच्छा कहिए, देश के लोग विपक्ष में हैं, आज देश के लोग खड़े हुए हैं, आज देश के लोग मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा देश के नागरिक खड़े हुए हैं, नागरिक खड़ा हुआ है, एक एक बच्चा खड़ा हुआ है, परेशान है, देश को बुरा हाल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सर, अब सवाल यह है कि तमाम चीजों के बीच में समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए? सर, समाधान इसमें कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि दोनों तरफ से तो आग लगी हुई है। देखिए समाधान, देखिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी, विपक्ष पहल नहीं करेगा। सरकार का काम है कि वो जो नीतियां लागू करने जा रही है, जो भी अपनी पॉलिसी लेके आ रही है, जो भी कानून लेके आ रही है, उसके बारे में जन जागरूकता फैलाए, पहले से स्पष्ट करे कि वो कानून क्या है, किसके ऊपर लागू होगा, संविधान के किस अनुरूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का एजेंडा देश के एजेंडे से बड़ा नहीं हो सकता, इस चीज को समझना होगा। अगर आप अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को अपने कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है, ऐसा लगता है। देश प्रथम, फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। संदीप जी, सरकार को समझना चाहिए। संदीप जी, ठीक है, जनता पार्टी के देश मजबूत करके आपने रखा हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप जी, ऐसा लगता है कि अब सरकार को अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के चुनावी नतीजे भी कुछ बहुत सरकार के पक्ष में तो नहीं जा रहे। अब आए मुद्दे पे। देखिए, मुझे लगता है कि हर विषय पे सर्वसम्मति, ये अपना लोकतंत्र है और इसमें सर्वसम्मति का अधिकार सबको है, और जो भी सर्वसम्मति से निर्णय हो, बहुमत से निर्णय, उसको सबको मानना चाहिए। परविंदर जी, और जो आज सरकार है, सदन में चर्चा है, विपक्ष सदन में चर्चा करती है और बाहर आके उसी विषय पे पलट जाती है और जनता को परविंदर जी, क्या सरकार को ये गलतफहमी हो गई थी कि साहब हम पूर्ण बहुमत के साथ में लोकसभा में है, राज्यसभा से हमारा काम हो ही जा रहा है, मौजूदा वक्त में बहुसंख्यक आबादी हमारे साथ में है, इसलिए जो चाहो करो, विपक्ष कहता रहे चंद मुट्ठी भर लोग। देखिए, ये स्थिति बन गई है। हम इस बात को नकार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उन्होंने जो अच्छे काम करे हैं, पूरे देश ने उनका स्वागत किया है। चाहे उन्होंने नोटबंदी करके यहां की जीडीपी 2 पे ला दी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 तलाक करा, राम मंदिर बनाया, पूरे देश ने स्वागत करा। लेकिन आप देश के बारे में सोचिए, आपके जनादेश के बारे में सोचिए। आप ये काम कर रहे हैं, इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा। अच्छी खबर दूंगा, ठीक है। शाहबुद्दीन साहब, क्या इस मुद्दे में बैठे बिठाए विपक्ष के पास में एक ऐसा हथियार दे दिया जिसकी बुनियाद पर अपने कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरी जा सके? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा विपक्ष? देखिए जब्बार भाई, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं। लोगों ने जिनने चुन के बैठाया था वो 30% थे या 35% थे। उन्होंने काम कहा था कि हमारा आप विकास कीजिए, हमारे विकास के लिए काम कीजिए। उन्होंने लोगों की गिनती करने के लिए आपको नहीं बैठाया था। मैनिफेस्टो में तो जिक्र इन सब चीजों का ही ना सरकार की तरफ से, ठीक है। उसका कोई मुद्दा नहीं है और आज कोई बात नहीं है। जो बेरोजगार युवा है, अरे आप मैनिफेस्टो की बात मत कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए। जो लोग किसान खुदकुशी कर रहे हैं, आप उसकी बात कीजिए ना। जो बेरोजगारी आपने देश में पहुंचा दी, उसकी बात कीजिए ना। आप जीडीपी देखे कहां आपने पहुंचाया, देश की क्या हालत कर दी, युवाओं की क्या हालत कर दी आपने, आप उसका जवाब नहीं दोगे? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जनता जनार्दन है। अभी जैसे झारखंड 5 राज्य जी आपको बाहर निकाल, संजीव कौशिक जी की बात है, ठीक है। संजीव कौशिक जी, मेरे पास बहुत वक्त कम बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा वक्त है, 1 सेकंड सर, बात जनता तक पहुंचने दीजिए, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट। ये केवल मैं नहीं बता रहा हूँ सर, सर 1 मिनट। अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना है, पाकिस्तान से लेना है। अरे सुन तो लीजिए, सर 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 बीजेपी का यही रिमाइंडर करना पड़ रहा है सर, 1 सेकंड, जल्दी जल्दी से सर, जल्दी से। अरे छोटी सी शाहबुद्दीन साहब, 1 सेकंड सर, किसी और चर्चा में सर, किसी और चर्चा में कोई सुनिए, 1 सेकंड। देखिए, इसी बीच एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश से तो लोग आते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है,
तकरीबन डेढ़ महीने के अंदर 1700 बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे थे वो सीमा पार करके बाहर गए हैं, मैं आपको बता दूं। और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया है। संजीव जा रहे हैं, वो खत्म हो चुका है। संजीव कौशिक जी, आखिरी कमेंट सर। और ये सिर्फ भारत नहीं, बांग्लादेश बांग्लादेश की सेना ने इस बात की ठीक है सर, ठीक है सर, इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया है, नहीं बोलने देंगे। कैसे जा रहा है संजीव कौशिक जी? संजीव कौशिक डॉक्यूमेंट्री देखिए आप। अभी सर संजीव कौशिक जी को सर एक कंक्लूडिंग बात, संजीव जी ये भी बताइए कि पिछली सरकारों के समय में कितने गए थे। एक सेकंड सर, संजीव जी, संजीव जी बताइए, संजीव एक कमेंट, एक बोलिए सर। इसका कोई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश की जनता भोली हो सकती है, बेवकूफ नहीं है। ठीक है, चलो, देश की जनता भोली हो सकती है, बेवकूफ नहीं, इसलिए सभी की आंखें खुली हुई है। हालांकि इस बीच में तर्क कुतर्क दोनों है, लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि देश में अमन शांति कैसे बहाल रहे, बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, उस पर सबकी जिम्मेदारी और सबका अधिकार भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त यहां पर खत्म हो चुका है। संदीप दुबे जी, हरीश भारद्वाज जी, नीरज राय जी, कुमार श्रीकांत जी, अमलेंद्र सिंह जी और परविंद्र सेठी जी, शाहबुद्दीन सैफी साहब, संजीव कौशिक जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। मगर सवाल वही है कि तमाशा सियासत का क्या यह है, या वाकई ये विरोध जायज है, या इस विरोध के पीछे की जो हिंसा है क्या वाकई इसकी साजिश हुई है, और अब जब भरपाई के लिए कार्रवाई की जा रही है तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों? छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है। ये जनता पार्टी सच को मार देगी। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज, ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी।